अस्सलामु अलैकुम। आइए आज हम नमाज की शर्तों का बयान पढ़ते हैं। पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, नमाज की छः शर्त हैं। कितनी शर्त हैं? छः। उसमें से पहली है तहारत। पहली शर्त क्या है? तहारत। पढ़ें, तहारत। दूसरी है सतरे औरत। दूसरी है कौन सी? सतरे औरत। तीसरी इस्तिक्बाले क़िबला। पढ़ें, इस्तिक्बाले क़िबला। चौथी वक्त। चौथी कौन सी है? वक्त। पांचवी नियत। कौन सी है पांचवी? नियत। और छठी तकबीरे तहरीमा। छठी शर्त क्या है? तकबीरे तहरीमा। देखें, पहली शर्त है तहारत, यानी नमाजी का बदन, जगह और उसके कपड़े का साफ होना ज़रूरी है, और उस पर कोई नजाजत लगी हो और नमाज पढ़ ली जाए तो फिर नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये नमाज की शर्त में से है, और अगर ये न पाई जाए तो फिर नमाज का दोहराना फ़र्ज़ होगा। दूसरी है सतरे औरत, यानी औरत का तन ढांकना। औरत का दोनों हथेली, पूरा चेहरा और दोनों कदम टखनों तक के दिखाना है, और पूरा बदन ढकना ज़रूरी है। और तीसरा इस्तिक्बाले क़िबला, यानी क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। अगर किसी ने क़िबले के उल्टी तरफ रुख करके नमाज पढ़ा तो फिर नमाज नहीं होगी। चौथा है वक्त, यानी शरीयत ने जिस नमाज के लिए जो वक्त मुतय्यन किया है, डिसाइड किया है, उस वक्त पर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। पांचवा है नियत। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। अगर बगैर नियत करके नमाज पढ़ ली तो नमाज का दोहराना ज़रूरी होगा। और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी कि अल्लाहु अकबर कहना, हाथ उठाना। अगर ये नहीं कहा तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। प्यारे बच्चों, ये नमाज की छः शर्तें आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें, और इसकी वजाहत को भी आप अपने जहन में महफूज रखें और इसे बेहतरीन तरीके से याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम।